तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कलर्स टीवी पर आने वाले सीरियल मेरा बालम थानेदार के कास्ट के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाले हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे। और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट आस्था चौधरी, जो कि इस सीरियल में गीता का किरदार निभा रही है। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम आदित्य बनर्जी है। नंबर टू मैत्री भानुशाली, जो कि इस सीरियल में दिव्या किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल है। नंबर थ्री विजय भाटिया, जो कि इस सीरियल में विशेष का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मालूम नहीं है। नंबर चार सुप्रिया शुक्ला, जो कि इस सीरियल में सुलक्षणा किरदार निभा रही है। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम हरिल शुक्ला है। नंबर पांच सिद्धार्थ ढंडा, जो कि इस सीरियल में रतन का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर छह सृष्टि सिंह, जो कि इस सीरियल में दृष्टि का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर सात राजेंद्र चावला, जो कि इस सीरियल में वरदान का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी ये रही। नंबर आठ सगुन पांडे, जो कि इस सीरियल में वीर का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर नौ प्रतीक सिंह, जो कि इस सीरियल में युग का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर दस नीलू बाघेला, जो कि इस सीरियल में भवानी का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम अरविंद कुमार है। नंबर ग्यारह श्रुति चौधरी, जो कि इस सीरियल में बुलबुल का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर बारह हनी सोनी, जो कि इस सीरियल में वर्णिका का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर तेरह ऋषि खुराना, जो कि इस सीरियल में देवेंद्र का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको सीरियल कैसा लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स जो बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।